Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, यूपी में पिछले दिनों घोसी विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने जीत ली है। जी हाँ, बात करें तो सुधाकर सिंह ने बीजेपी गठबंधन के दारा सिंह चौहान को बड़े अंतर से हराया है। समाजवादी पार्टी अपनी इस जीत को इंडिया अलायंस और अखिलेश के पीडीए नारे की सफलता के रूप में देख रही है। एक बड़ी बहस शुरू हो गई है कि क्या विपक्ष ने बीजेपी की गैर यादव ओबीसी और दलित वोटों की गोलाबंदी में शिंधमारी करने में सफलता हासिल कर ली है। इस बीच गाजीपुर लोकसभा सीट के खाली होने और इस पर उपचुनाव को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से एक चर्चा यह भी है कि चुनाव आयोग इस सीट पर 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले शायद उपचुनाव न कराए। इस चर्चा के पीछे कुछ वजहें भी गिनाई जा रही है। एक निजी न्यूज एजेंसी के अनुसार एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी की गाजीपुर लोकसभा की 4 खाली सीटों पर उपचुनाव की संभावना नहीं है। भाषा ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे लेकर चुनाव आयोग और केंद्रीय कानून मंत्रालय का विधायी विभाग आपस में संपर्क में है। ऐसा प्रावधान है कि अगर चुनाव या उपचुनाव में देरी होती है या उन्हें न कराने की राय बनती है तो चुनाव आयोग से बात करनी होती है। यूपी की गाजीपुर, महाराष्ट्र में चंद्रचूड़ और पुणे के अलावा हरियाणा के अम्बाला की लोकसभा सीट फिलहाल खाली है। गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा मिलने के बाद उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद यह सीट खाली पड़ी हुई है और इस पर उपचुनाव को लेकर तमाम तरीके की कयासबाजियां लगाई जा रही है। गाजीपुर में अगर चुनाव नहीं होगा तो क्यों, मतलब गाजीपुर में जो उपचुनाव है अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि गाजीपुर समेत लोकसभा की बाकी खाली सीटों पर उपचुनाव नहीं होगा तो आखिरकार इसके पीछे वजह क्या होगी। एक भाषा के रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्वाचन कानून ऐसा कहता है कि अगर कोई सीट खाली होती है तो उस पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराना होता है। हालांकि निर्वाचन आयोग कुछ तथ्यों के आधार पर उपचुनाव न कराने या स्थगित करने का भी फैसला ले सकता है। इसके पीछे की दूसरी जो सबसे बड़ी वजह सूत्रों के हवाले से गिनाई जा रही है वह है समय का कम होना। चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय के बातचीत से अवगत सूत्रों के कहना है कि इन सीटों पर अगर उपचुनाव हुए तो यहां से चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों को काम के लिए समय काफी कम मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले लोकसभा के चुनाव की घोषणा 2024 की शुरुआत में की जाएगी। तो बड़ा अपडेट था और यही सारी चीजें हैं जिसको लेकर ऐसा लगता है कि चुनाव नहीं होगा। बाकी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।